हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर पोस्टिंग अनदर वीडियो इन रिसेंट चैनल। ये हमारा फरीदाबाद सेंटर है और हमारे साथ पेशेंट है मिसेस ज्योति। एंड इनको कान में काफ़ी सालों से तकलीफ थी, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 सालों से कान बहता था और काफ़ी तकलीफ होती थी कान में। तो जब ये हमारे पास आए तो ये सर्जरी के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। थोड़ा सा कान में ज़्यादा इशूज ये था कि थोड़ा सा इनको रिट्रैक्शन पॉकेट था कान के पर्दे में। रिट्रैक्शन पॉकेट ये होता है कि एक तो पर्दा सीधा होता है, एक पर्दा अंदर की तरफ मुड़ जाता है किसी प्रेशर की वजह से। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो कान अंदर की तरफ पर्दा चला जाता है तो गुम हो जाता है, वैसा एक तकलीफ और भी था। तो एक पॉकेट बन गया था परफोरेट होके। फिर हमने फिर भी एक बार ही हमने HRCT स्कैन कराया इनका टू रूल आउट एनी अदर पैथोलॉजी। एंड उधर से हमें जब ग्रीन सिग्नल मिला तो हमने फिर ECG टेक्निक के थ्रू इनका ईयर ड्रम ठीक कर दिया। और हमारे साथ मिसेस ज्योति है, ये आप बताना चाहिए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और अभी कैसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग पास में रहते हैं इनके तो बहुत इजी भी था हमारे आना। और अच्छी बात ये थी कि जहाँ जहाँ इनको लगा कि हाँ थोड़ा टाइम दे के चीज़ों को नेचुरली ग्रो किया जा सकता है, ये चीज़ों के लिए बहुत मुझे लगता हेल्प करी हमारी इन्होंने। और टाइम का इशू नहीं था, जब भी इनको लगता था कि हाँ अभी कुछ टाइम के बाद में देखा जा सकता है थोड़ा सा बिना ट्रीटमेंट के या मेडिसिन की चीज़ें नेचुरली ग्रो करें, तो वो हमारे फेवर में थी। और दूसरा इशू थे कि वाइफ के साथ एक बार ये थे कि इनको थोड़ा मेडिसिन अगर ज़्यादा होती है तो इनको थोड़ी और भी एलर्जी या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हम भी चाहते थे कि मेडिकेशन कम से कम हो और इसी का काफ़ी प्रॉपरली प्रिकॉशन लिया कि हाँ मुझे लगता नहीं कि मेडिकेशन कोई हुई भी है हमारे हमारे ट्रीटमेंट में मेडिसिन है भी नहीं, तो अल्टीमेटली ठीक रहा है। तो और बाकी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस ट्रीटमेंट? नहीं, मुझे लगता कि क्योंकि अभी इनकी सिस्टर ने पहले अपनी सर्जरी कराई थी कान की, तो उनका फीडबैक यह था कि सर्जरी कराने के बाद भी उनको कोई बहुत ज़्यादा और चीजों को थोड़ा स्मूथनेस मिल रही है। तो फिर मेरी एक कुलीग थी यहाँ पे, मैं ऐसा काम करती है तो वो पहले आपके पास में आ चुकी थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मिलो इनसे, तो मुझे लगा कि ये पता नहीं होता भी है या नहीं होता। फिर वो अभी पहले ग्रीनफील्ड में थी, अभी वो IP ग्राउंड में चली गया, नाम भी शायद भूल गया था। तो वो कहते कि आप जाओ, आपको अच्छा वहाँ पे मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगी चीज़ों के लिए। तो फिर जब यहाँ पे आए आप चीज़ें क्योर हो गई हैं, प्लस जो आपके साथ में और लोग आते थे उनको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है चीज़ों के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा, स्मूथ रहा। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि जो लोग इसमें दिक्कत इसको लग रही है या फेस कर रहे हैं और वो सर्जरी के ना जाके अगर आए, आई थिंक ये बेनिफिट और कान में अंदर जो मैकेनिज्म है वो नहीं सूखता है और उसके रिप्रिकॉशंस कम हो जाते हैं। चाहे अगर आप हमारे तक पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सर्जिकली कहीं अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ से जरूर सर्जरी कराएं या हमारे से ट्रीटमेंट कराएं। And you can contact us at our numbers and all. And thank you very much and best of luck. Thank you. Thank you, Dr. Gupta. Thank you.